इसलिए संघ का विचार, संघ का विचार आइडियोलॉजी नहीं है, संघ का विचार एक वाक्य है, कोई लॉजी वगैरह है नहीं। आज आपको पूछा गया ये कैसे वो कैसे, हमने ऐसा कहा था ये ऐसा हो रहा है, हमने ऐसा क्या, हमने ही ऐसा प्रस्ताव किया है, ऐसी बहुत सी बातें आई। तो बाला साहब ने कहा कि देखो भाई संघ में हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, इस एक बात को छोड़कर बाकी सब बदल सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है किसी के दिमाग से उपजी हुई बात नहीं, वो चलती आई हुई बात है, वो बात चलती आई हुई है, हमने कोई बनाया नहीं है, ना हमने हिंदू को बनाया ना हमने भारत देश को बनाया, ये सारा हमको मिला है और हजारों वर्षों से मिलता आया है, वो फैक्ट ऑफ लाइफ है, इसलिए वो हम बदल नहीं सकते, वो बदल, और देशकाल परिस्थिति इतनी बदली लेकिन ये बात नहीं बदली। ये क्या है, ऐसा अध्ययन डॉक्टर हेडगेवार ने बहुत किया था, तो किस देशकाल परिस्थिति में ये बदल सकता है उसको भी उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि भारत को अपनी मातृभूमि मानने वाला और अपने आप को हिंदू कहने वाला एक व्यक्ति जब तक इस भूमि में जीवित है तब तक ये हिंदू राष्ट्र है। तो आइडियोलॉजी क्या चीज है, हम किसी लॉजी में बंधे नहीं, किसी इज्म में बंधे नहीं, कुछ नहीं। हमारे पास एक सत्य है कि हम एक राष्ट्र है, सनातन काल से एक राष्ट्र है, और हमारे राष्ट्र की जो प्रकृति है उसकी पहचान है। हमारे राष्ट्र का जो बाह्य रूप है वो तो विविध प्रकार का है, उसकी एक पहचान हो ही नहीं सकती, वो सब अलग अलग है, भाषा पंथ प्रांत सब अलग अलग है, पहले से है ओरिजिनल, इस भारत में ही इसके अनेक प्रकार निकले और बाहर से भी कुछ आए, कोई हर्जा नहीं। जहां जहां दुनिया में बाहर से कुछ आया, बाद में जब वो लोग फिर से स्वामित्व में आए, उन्होंने उसको या तो पर्च किया या तो एडाप्ट कर लिया। हमारे हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि हमको इसका डर ही नहीं है, इन सबको हम हमारा अपना मानते हैं, हमारा विविधताओं के एकता का देश है, एकता की विविधता को समझने वाला देश है।